my dear friends, my name is Sachin Kohli and I welcome you back to Muscle Master Gyms. I welcome you back to Muscle Master's used and refurbished organization. शुरुआत करने से पहले थैंक यू सो मच, और आप लोग की शिकायत अब थोड़ी सी दूर हो रही होगी कि फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं आ रहे, इतने मैसेजेस आते थे सचिन भैया वीडियोस। सो फाइनली आई एम हियर विद लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू। टाइम मिला है अभी थोड़ा वीडियोस बनाने का, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, समय खराब किए बिना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे पुराने वीडियोस आगे देखिए जिम सेटअप के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ रियल नॉलेज। ओके नाउ गाइस, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? स्मॉल वीडियो, कोई बहुत बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, लेकिन स्मॉल वीडियो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। एकदम से वीडियो ध्यान में आया और हम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर डिस्कशन किया। मैं एकेडमी का नाम नहीं लूंगा, मैं मिला अभी एक बहुत ही जानी मानी एकेडमी है जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराती है, तो उस एकेडमी के डायरेक्टर के साथ मैं बैठा हुआ था, तो उस डायरेक्टर के साथ मेरी डिस्कशन हुई कि यार हमारी कंट्री के अंदर पर्सनल ट्रेनर्स इतने मेहनती हैं, सुबह 4 बजे आ जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, फाइनली ये लड़के ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। और बाहर की कंट्रीज के अंदर देखो, अभी मैं पीछे गया हुआ था, आई वाज इन वियतनाम, और वियतनाम तो छोड़ो, वियतनाम तो बहुत छोटी कंट्री हुई, अभी सिंगापुर की बात बताता हूँ, दुबई की बात बताता हूँ छोड़ो, दुबई के अंदर मेरे को पर्सनल ट्रेनर चाहिए था, पर्सनल ट्रेनर बुक करना है तो 2 घंटे पहले बुक करना पड़ेगा, 2500 रुपए एक क्लास के लेगा, और 2500 भी आपको 45 मिनट ट्रेनिंग कराएगा और 45 मिनट ट्रेनिंग करा के वो चला जाएगा। बट हमारे यहाँ तो क्या पर्सनल ट्रेनिंग हो रही है, हमारे यहाँ तो पर्सनल ट्रेनिंग हो रही है 2000, 2500, 5000, 5500। जो थोड़े अच्छे पर्सनल ट्रेनर्स है वो कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी ट्रेनर्स है वो तो 6 लाखों में चार्ज करते हैं। तो हमारी डिस्कशन हुई, मैं उस डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ था कि बस क्या क्या हमारे पर्सनल ट्रेनर्स भाइयों को करना चाहिए, जो हमारे पर्सनल ट्रेनर्स मेरे को देख रहे हैं कि आप लोग की जो मार्केट है, आप लोग की जो सेल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो दोस्तों 4 पॉइंट निकल के आए, ये 4 पॉइंट एक सर्वे के पॉइंट्स, इसको आप गूगल भी कर सकते हो, ये 4 पॉइंट्स को जरूर से इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर अगर एक सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज क्या है कि जितने भी हमारे पर्सनल ट्रेनर्स है ना, मैं जितने भी पर्सनल ट्रेनर्स के साथ बात करता हूँ तो मेरे को क्या निकल के आता है कि ये जो पर्सनल ट्रेनर्स है ना, ये पर्सनल ट्रेनर्स आर आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से पर्सनल ट्रेनर्स है, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं है, वो किसी भी प्रकार से सर्टिफाइड नहीं है। और सर्टिफिकेशन मैं एक ऐसी चीज है, मैंने 3 साल पहले एक वीडियो किया था, मैं वो लाइन वैसी की वैसी दोहरा रहा हूं कि अपने बच्चे को कभी भी मैं ऐसे डॉक्टर के हाथ में नहीं दूंगा, अपना बच्चा छोड़िए मैं अपने शरीर को ऐसे डॉक्टर के हाथ में नहीं दूंगा जो स्पेशलाइज्ड नहीं है। सिमिलरली अगर आप सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफिकेशन ना आपकी आपकी जो हैट है ना उसके ऊपर एक फेदर है। इससे मेरा क्या मतलब है कि आपकी जो मूछें है ना वो इतनी और ऊपर कर देता है अगर आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर है। सो द पॉइंट ऑफ सबमिशन हियर इज, जो आपकी क्रेडेंशियल्स है ये बहुत मायने रखते हैं। पढ़ाई कीजिए, एजुकेशन की लाइन है, हेल्थ इंडस्ट्री है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी फेदर्स के अंदर सर्टिफिकेशंस ऐड नहीं करते रहेंगे, तब तक आपका लेवल अप नहीं होगा। उस डायरेक्टर ने मेरे को ये तक बताया कि अपने पास जब रिक्वायरमेंट आती है दुबई से, या अपने पास जब रिक्वायरमेंट आती है किसी सेलिब्रिटी की, या अपने पास जब रिक्वायरमेंट आती है, वो ये नहीं पूछते ये मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड है कि नहीं, वो सिंपल मेरे से पूछते हैं कि मेरे को इसके क्रेडेंशियल्स भेजो, मेरे को बताओ कि ये ट्रेनर कितना पढ़ा लिखा है। सो पॉइंट नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स, अपने क्रेडेंशियल्स ऊपर लेके जाइए, अपने नॉलेज को ऊपर लेके जाइए, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर टू ये बोलता है कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी ये बोला था कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो उस अच्छे काम को दिखाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि ये री बॉडी इस तरीके से आई थी, इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, इस तरीके से ये आदमी डिप्रेशन में था, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके इसका डिप्रेशन से इसको बाहर लेकर आया। हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या, हम अपने अच्छे काम को दिखाते नहीं है। सो दूसरा, जो हमारा जितना भी HNI या जितने भी हमारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, वो ये पूछते हैं कि ट्रेनर की क्वालिफिकेशन के बाद जो दूसरी चीज मेरे को बताओ कि उसके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या है, उसने आज तक कितने क्लाइंट्स को ट्रेन किया, कितने क्लाइंट्स को ट्रेन करने के बाद कितने क्लाइंट्स बड़े लेवल तक पहुंचे। सो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इज समथिंग विच इज
मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना, तो आप किसी भी हालत के अंदर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, मेहनत कीजिए, जितने क्लाइंट्स ने पैसा दिया है ना, सब क्लाइंट्स के साथ लगिए, सब क्लाइंट्स के साथ लगने के बाद उनको रिजल्ट्स दीजिए, आपके ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप बन जाएंगे। तीसरी चीज जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज क्या बोलती है, दिस इज अ वेरी एक ना ह्यूमन नेचर है। कई लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, कई लोग नॉन डिसिप्लिन होते हैं। तो तीसरी चीज अपने को क्या इस सर्वे के अंदर निकल कर आई, इस सर्वे के अंदर अपने को तीसरी चीज ये निकल के आई कि हमारे जो पर्सनल ट्रेनर्स है ना, हमारे पर्सनल ट्रेनर डिसिप्लिन नहीं है। अगर महीने के अंदर 12 क्लासेस है तो 10 ही लेते हैं, अगर महीने के अंदर 30 क्लासेस है तो 22 ही लेते हैं, बाकी 8 दिन घर के अंदर शादी हो रही होती है, या 8 दिन वो बीमार होते हैं, या कभी कभी तो पर्सनल ट्रेनर ने फीस ली और वो पूरा पूरा महीना गायब हो गया, बस नहीं मिलेगा बड़ा क्लाइंट। बड़ा क्लाइंट, आप एक बात समझना, जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास समय ही समय है। तो बड़ा क्लाइंट आपसे क्या मांगता है, सर्टिफाइड हो जाओ, बहुत जरूरी है, अपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ कि आज तक लाइफ को किस तरीके से लोगों की चेंज की। एंड द थर्ड थिंग हियर इज कि क्या आप डिसिप्लिन्ड है, क्या अगर आपकी 10 बजे की क्लास है किसी बड़े क्लाइंट के साथ, क्या आप 9:55 पे पहुंच के अपनी कमिटमेंट लेवल्स को शो कर रहे हो के नहीं कर रहे हो। सो पॉइंट नंबर 4, द लास्ट पॉइंट इज योर ओन फिजिकल अपीयरेंस। आप खुद किस तरीके से दिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। याद रखना, ये बहुत पुरानी कहावत है, बाप दादा के जमाने की कहावत है। ये कहावत क्या बोलती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले 3 सेकंड के अंदर आप किसी इंटरव्यू में बैठे होते हो ना, तो पहले 3 सेकंड के अंदर आप सिलेक्ट या रिजेक्ट हो चुके होते हो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ध्यान से समझना, पहले 3 सेकंड में आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको क्लाइंट सिलेक्ट कर चुका होता है और या डिसलेक्ट कर चुका होता है, उसके बाद तो सिर्फ मजाक चल रहा होता है। सो बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स हैं, फुल ऑन नॉलेज है, फुल ऑन नॉलेज होने के बाद जब मैं मिलता हूं तो जो वेस्ट साइज है वो आज के टाइम पे 40 हुआ पड़ा है। पूछा कि आपने कभी ट्रेनिंग नहीं करी, तो अपनी दिखा दी 5 साल पुरानी फोटो। अब वो 5 साल पुरानी फोटो देखी और इन भाई साहब की शक्ल देखी, तो ये आप ही हो सर, आप ही हो। सो दिस इज व्हाट, जो लर्निंग आप किसी को देने जा रहे हो ना, सचिन को भी कुछ सिखाने आ रहे हो ना, अगर तुम अपने शरीर पे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ना, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। ये 4 इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हैं, इसका फॉलोअप वीडियो भी बनाऊंगा, इसका एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अभी, जो ये बताएगा कि कौन कौन से कोर्सेज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं आज के टाइम पे, जिसको आप कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेशन के लिए। सर्टिफिकेशन नाम के लिए मत कीजिए, नॉलेज के लिए कीजिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कीजिए, बॉडीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कीजिए। सो 4 चीज, सर्टिफिकेशन आपके क्रेडेंशियल, सेकंड आपके रिकॉर्ड्स, प्रूवन रिकॉर्ड, कस्टमर्स को क्या करा आज तक, तीसरा आपकी डिसिप्लिन, आपकी कमिटमेंट, चौथी चीज आप खुद किस तरीके से दिखते हैं, जो लर्निंग किसी को देने जा रहे हो वो लर्निंग आपके अंदर खुद है के नहीं। थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, नीचे लाइक का बटन देखो दबाओ, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, पुराने सारे वीडियो जाके देखो, सचिन कोहली मसल मास्टर्स, यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड जिम इक्विपमेंट्स। थैंक यू सो मच।